सो राइट है गाइस एंड व्हाट्स एवरीबॉडी, इट्स द वेश पैकेट अगेन विद इन फ्रेश वीडियो। सो आज किस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, काफ़ी सारे बच्चे जो है अंदर उनके कुछ ना कुछ बातें उछलती रहती है। तो फाइनली क्वेश्चन आ रहा था कि रिजल्ट कितने चेक हुए हैं, जो सेमेस्टर अभी सेकंड फेज गया है और जो सेमेस्टर वन के एग्जाम गए हैं उनका रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो धीरे धीरे मैं सारी कैटेगरी वाले बच्चों के रिजल्ट बताने वाला हूँ, कब किसके कब आने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह से एक्सप्लेन के रिगार्डिंग आपको सारी वीडियो S12 के रिगार्डिंग मिलती रही। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स फाइनली काफ़ी सारे जो बच्चे पूछ रहे थे रिजल्ट्स कब आएंगे, तो देखो जिन बच्चों के सेमेस्टर वन के एग्ज़ाम अभी हुए थे मार्च में, तो उन बच्चों के मुश्किल से 45% कॉपीज चेक कलेक्ट करी गई है। ठीक है, उन 45 में से उन बच्चों की कॉपी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मिली है जो पोर्टल पे अपलोड करी गई थी, मेल वालों को भी हाथ नहीं लगाया। ठीक है, और पोर्टल पे जो अपलोड हुई थी उनमें से भी रेगुलर के बच्चों की कॉपीज मुश्किल से कम से बोल सकते हो 98% रेगुलर की चेक हो चुकी है। अब S12 की धीरे धीरे चेक होना स्टार्ट होगी, तो जैसे ही SQL की चेक होगी उसमें आपको कम से कम एक महीना लग जाएगा। ठीक है, अपना रिजल्ट देखने के लिए, और अपने रिजल्ट के लिए इतना तरसो या उत्साहित मत हो बिल्कुल भी, क्योंकि रिजल्ट आपका कम से कम ये मान सकते हो एक्सपेक्टेड बताऊं तो जून की कम से कम 25 तारीख तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करो कि आपका रिजल्ट इतनी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दिसंबर, अब उन बच्चों को कैसे भूल सकते हैं, वो भी तो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जिन बच्चों ने एग्जाम नवंबर दिसंबर में दिया था, मतलब कि सेमेस्टर फिफ्थ और सेमेस्टर थर्ड की बात करें, तो उनके रिजल्ट्स कुछ हो के अभी भी नहीं आए हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा आप कैंपस जाओ, विजिट करो, कैंपस जाने के बाद अपनी प्रॉब्लम बताओ। आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, बस प्रोग्राम कैटेगरी का भी नहीं हुआ है, बीकॉम का, ऑनर्स का, ये सब हो चुका है, इंग्लिश ऑनर्स का डिक्लेयर, और काफ़ी बच्चों का फिर भी नहीं शो हो रहा, तो कैंपस जाके भाई आपका सोल्यूशन मिलेगा। बस सिंपल सी बात है, कैंपस जाओ। आउटर स्टेट रह रहे हो तो कैसे कैंपस जाओ, तो अपने फ्रेंड को या किसी को भी जो दिल्ली में रह रहा हो इस टाइम, तो उसको अपनी ID पकड़ा दो या फिर उसको बता दो फोन से, वो विजिट कर लेगा, तब भी आपका चेंज हो जाएगा, आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, और बाकी बात कर लेते हैं सेकंड सेमेस्टर वालों की, तो इनके एग्जाम्स के रिजल्ट आएंगे, मे बी इनके तो एग्जाम ही नहीं हुए मगर फिर भी बच्चे पूछ रहे हैं एग्जाम्स के रिजल्ट कब आएंगे। तो देखो एग्जाम अगर अगस्त में हो रहे तो एक्सपेक्टेड डेट मान लो नवंबर के एंड तक आपके रिजल्ट भी आएंगे। ठीक है, एग्जाम के कम से कम 3 महीना मान लो, SQL थोड़ा लेट रहती है, माना वो थोड़ा सा हाथ धीमे चलाता है, तो ऐसा थोड़ी है तुम सब कुछ भी कहोगे, मेरी तरह कुछ भी कहोगे क्या, मैं ही कह सकता हूँ सिर्फ, आप लोग मत कहना। तो हाँ, और बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे बच्चे रिजल्ट की पूछ रहे थे, तो मैंने बता दिया आपको रिजल्ट कब आएगा, एक्सपेक्टेड डेट सारी बता दी, और जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं उनके भी जल्दी आएंगे, प्लीज़ वेट करो, चैनल स्क्रीन पर सारी अपडेट आपको करी जाएगी। अभी के लिए इतनी, वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, मेरे इंस्टाग्राम ट्विटर फलाना ढिकाना, मेरे को तो नाम भी याद नहीं है किस किस ने लिंक भर दिए कौन से, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लेना। अभी के लिए इतनी, सी यू टाटा एंड बाय बाय, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।